माता कामाख्या, क्या मेरी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होने वाली है? देवी मोरवी के दर्शन की अभिलाषा लेकर आया हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सभी के जीवन में अंतिम घड़ी कभी ना कभी तो जरूर आती है। चलिए आइए। तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। काम रूप में आपका स्वागत है। आपके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। क्या सुना था? आप सचमुच बहुत सुंदर हैं। मेरे रूप की प्रशंसा कर रहा है, ये भी मरने आया है। मैं यहाँ मरने नहीं आया हूँ। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं हिडम दानव की बहन का पुत्र हूँ, घटोत्कच। कामरूप में अतिथियों का स्वागत करने की परंपरा नहीं है क्या? अवश्य है, किंतु योग्यता की परीक्षा के बाद। उचित है। तो पहले बल की परीक्षा लोगी या बुद्धि की? बुद्धि की। यदि बुद्धि ना हो तो बलवान से बलवान व्यक्ति भी पराजित हो सकता है। मोरवी, तुमसे जब भी कोई प्रश्न करे पुत्र, बस मेरा ध्यान कर लेना। जय मैं तैयार हूं, प्रश्न करो। मुझे कोई विचित्र कथा सुनाकर हैरान कर दो और मुझसे कोई ऐसा प्रश्न करो जिसका उत्तर मेरे पास ना हो। ठीक है। एक नगर में एक व्यक्ति था, उसके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। उसकी स्त्री उस कन्या को जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई। उसने अकेले ही अपनी बेटी का पालन पोषण किया। उसकी बेटी बहुत सुंदर थी। जैसे ही वो विवाह के योग्य हुई, उसके पिता का अपनी बेटी के प्रति मन मैला हो गया। उसने अपनी बेटी से एक झूठ कहा। उसने कहा कि उसके मां बाप मर चुके हैं और उसने सिर्फ उसका पालन पोषण किया है। बेटी ने पिता के झूठ पर विश्वास कर लिया और पिता ने अपनी ही पुत्री के साथ विवाह कर लिया। अपनी पुत्री से विवाह? हाँ। कुछ महीनों बाद उस लड़की ने एक कन्या को जन्म दिया। अब मेरा प्रश्न यह है कि पैदा हुई कन्या उस पुरुष की दोहित्री हुई या पुत्री? मोर पुत्री, तुम्हारे मौन से यह सिद्ध हो गया है कि तुम्हारे पास मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। तुम एक वीर असुर की पुत्री हो, फिर भी
युद्ध के सारे नियम भूल गई और एक निहत्थे पर वार कर दिया। छोड़ दो मुझे, मैं तुमसे तो क्या किसी से भी विवाह नहीं कर सकती। मैं तो केवल पांडव पुत्र के उस कुमार की प्रतीक्षा कर रही हूँ जिसका वरदान माता कामाख्या ने मुझे दिया था। छोड़ दो मुझे। मौर्वी, मैं पांडव महाबली भीम का पुत्र हूँ और श्री कृष्ण के कहने पर ही तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, अपने इस कायरतापूर्ण व्यवहार के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आप जैसे महाबली की पत्नी होने योग्य नहीं हूँ। उठो, तुम हर प्रकार से पांडवों की पुत्रवधु होने के योग्य हो। यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। Thank you.